फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सुप्रिया श्रीनाटे टॉप 19 मोस्ट ब्रूटल इंसल्ट्स फनी गाली वाली मैडम। ओए, वही है गाली वाली मैडम। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था जब वो कहती गाली वाली मैडम, इनको हटा के गाली देती। उस नाम से मैंने मशहूर किया भैया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये नाम गाली वाली मैडम। तो चलो देखते हैं, आज का वीडियो मजेदार होने वाला है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, हम तो सुनते हैं, धमाका है ये। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गालियां जानती हूँ, तो मैं गाली नहीं जानता हूँ, मैं गाली भी नहीं हूँ, तो मैं आराम से बात करता हूँ। पहले तो बोलोगे भी। देखिए देखिए मैडम, अमीश जी, मैंने कहा ना मैं गाली नहीं जानता हूँ, बहुत गालियां मालूम है, बहुत बहुत गालियां मालूम है। मैंने मान भी लिया कि इनको बहुत गालियां मालूम है। मैं गाली नहीं सुननी पड़ेगी। अमीश भाई प्लीज, जरा गाली वाली मैडम, गाली गाली दी नहीं है मेरे कार्यक्रम में, गाली दी जाती है। अमीश भाई देखे जाने वाले बेटा, मेरा निवेदन है अमीश भाई, जरा गाली वाली मैडम को साइड कर दो। गाली वाली मैडम, मुझे गाली वाली मैडम से लड़ना नहीं है अमीश भाई, मुझे आराम से आप एक मिनट दो, मैं बोलूं, फिर गाली वाली मैडम बोलेगी। मेरे को गाली वाली मैडम से नहीं लड़ना है। देखिए ऐसा है, भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। आप ही के नेता, ये तो मैंने कहा था सबसे पहले, ये तो मैं, आपने मेरा डायलॉग चुरा लिया। मैं बोल लूं अगर आप? हाँ बोलिए। चोरी तो तुम करते हो, चोरी मैं नहीं करती हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। अच्छा, आप कब से चौकीदार बन गई, पता चल गया आपको जी कि भारत। देखिए इन्होंने आज, मैं तो पहले वीर सावरकर जी को नमन करूंगा, इन्होंने माफीनामे की बात की और मैं जानता हूँ कहाँ ये इशारा कर रहे हैं। कम से कम हमारे नेता जाके लेडी एडवीना के चरणों पे उनके जूते, कोई बात नहीं। अमीश जी, मैं गाली वाली मैडम के साथ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, गाली वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी फिर मैं कुछ बोलूंगा तो। मैं जरा, आप गाली वाली मैडम को जरा साइड करेंगे अमीश जी, जरा गाली वाली मैडम को साइड करेंगे अमीश जी, अमीश जी गाली वाली मैडम को साइड कर दीजिए, साइड कर दीजिए गाली वाली मैडम को, गाली वाली मैडम का आवाज कम कर दीजिए, गाली देती रहती है गाली वाली मैडम से। मैं डिबेट ठीक है, शांति से बोलना चाहता हूँ। सब तो कह रही है मैंने नाम नहीं लिया, मैं शांति से सुना ना। ठीक है, आपने बोला ना, आपने पांच बारी बोला, अब सबित का जवाब सुन लेते। सबित क्विक, देखिए मैं तो नाम लेके बोलूंगा, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, जो जाके एडवीना माउंटबेटन के पैरों में बैठ के जूता उसका साफ करते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, वो फोटो भी मैं बोलूंगा, आज लोग ट्वीट करें कैसे जाके पैर दबा रहे थे एडवीना माउंटबेटन के जवाहरलाल, और ये फोटो है पैर में बैठे। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री होंगे तो क्या हो गया भैया, सावरकर जी देश के स्वतंत्रता सेनानी है, बिल्कुल है, वो लड़े, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, कर्म उनको मिला था, पहले हिंदुस्तानी थे, जो दो लाइफ टर्म मिला है, 20-10 साल उन्होंने काटे हैं अंडमान निकोबार के जेल में, इस गांधी पर, इस नेहरू ने काटे हैं, 5 दिन 2 दिन जाके जेल में रह के आते थे क्योंकि एडवीना के पैर दबाते थे, ये बताएंगे वीर सावरकर के बारे में। और इनकी अध्यक्षता तो अभी इनकी देखिए फिर गाली वाली मैडम को, अरे गाली मैडम को साइड, गाली मैडम इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है, एडविना माउंटबेटन का और भी बोल खोलूंगा नेहरू के साथ। अभी अभी अरे सुन लो, माफीनामा आपने लव लेटर लिखा था, नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे, यहाँ माफीनामा के बारे में बोल रहे हैं, बैठ जाओ। अमेश, आज की तारीख बड़ी इम्पोर्टेंट है, 25 जून है, आज ही की रात में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। आज जब सुप्रिया जी ने आपको कहा कि आपको किस बात पर डिबेट करनी चाहिए कि चीन हमारे सीमा में घुस गया या इस मुद्दे पे 90 लाख का, तो इसका मतलब कि आपका एडिटोरियल क्या होगा ये सुप्रिया जी तय करेंगी अब। तो ये कहीं ना कहीं से फिर से मुझे आज शाम इमरजेंसी की झलक दिखाई दी कांग्रेस पार्टी के तेवरों में, कोई कमी नहीं है। सरकार को मत पूछिएगा सवाल भाई, साफ बात है, जब सवाल आपसे पूछा जा रहा है अब इतनी सभ्यता रखिए कि बीच में मत बोलिए आप महिला हैं तो ये नहीं कि हमेशा बीच में बोलने लगेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या है सुन लीजिए अपने बारे में बोलिए। महिला बोलना तो जवाब कहां से निकलेगा, ये पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड छोड़ दीजिए। तो क्या बुलाएं आपको, आपको क्या बोला है, सुपर वुमन बुलाए, महिला महिला नहीं बुलाए तो आप उसका सम्मान कर रहे हैं, तो सम्मान तो आप अपनी बात बोलिए, आप कुछ ना बुलाइए और अभद्रता मत करिए मेरे साथ, आप अपनी बात बोलिए, अपनी बात बोलिए, मत बोलिए कृपया करके, पॉलिटिकल पार्टी कृपया करके, कोई आपके साथ, सारे के साथ अभद्रता आप कर रही है, सबके साथ अभद्रता आप कर रही है, चाहे वो एंकर हो चाहे वो बाकी प्रवक्ता हो, बहुत गंदा बोलती है। अब मैं जवाब दे दूं, मैं पहली बात तो यह शहादत पे कोई डिबेट नहीं हो रही थी, और मैं आपको आज देखिए, मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूँ। रूबिका जी, मैं एक ऐलान, रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी मैं यहाँ
हाँ हाँ परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेर देंगी, मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ। मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहाँ कच्चा चबा दिया जाता था, भगवान राम ही बचाए मुझे। आप कच्चा चबा जाती हैं, किसको किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है। आप बात कीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहाँ हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बतिया तुम्हारी उदेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूँ राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी का प्रवक्ता पागल हो जाए। इन पे ईश्वर रहम करे, मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ। मैं भगवान तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर, अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। अरे बुद्धू है, बुद्धू है, वो बुद्धू को क्या बचा रही हो आप? छोड़ो ना, अरे बुद्धू है, बुद्धू है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर, बैठो ना। क्या करते किसको लेके आते हैं आप रूबिका जी, किसको लेके आते हो? अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करें डिबेट में रूबिका जी। आप बताइए इनकी एरोगेंस को देखिए। अब मेरे पास आखिरी के कुछ लम्हे बचे हैं। ये अनपढ़ गवारों को देखिए, स्पेशली इसीलिए बुलाया है। उत्तर तो दे दूं, सुप्रेशनेट रुक जाइए। देखिए आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है, अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटालियन में भी ट्वीट, इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, आपके मंत्री को पता है, मिनिस्ट्री नहीं है, मंत्री बनने लायक नहीं है आपके लोग। माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों से ये, यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकूथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट वुमन ऑफ दिस होल प्लैनेट। आई विल टेल यू, मोस्ट अनकूथ वुमन, अनकूथ वुमन, अनकूथ वुमन, इलिटरेट वुमन, अनकर्टियस वुमन, दैट्स व्हाट यू आर। लेट मी प्लीज 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 यू आर अ ब्लडी जोकर, दैट्स व्हाट यू आर। व्हाट आर यू गाइस डूइंग? प्लीज, यू आर अ साइकेटिक पेशेंट। आप दोनों रुक जाइए, मुझे अभी यहां पर रोकना पड़ेगा। सुप्रिया सुले, जोकर इज राहुल गांधी। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया, मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हंस के हंस ले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए, ये जबान संभालना भाला क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है हिंदुस्तान, इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है, बेहूदगी की बात, बिल्कुल सही बात है। जब ये देश, बिल्कुल सही बात है, आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी, अगर ये बोलेंगे तो चुप रहिए। व्हाट इज दिस, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। देखिए आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए, देखा हेडमास्टर, नहीं ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे, ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें हैं? अच्छा ठीक है, समित समित सियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। समित आप शांत रहिए, तुम बिल्ले हो, बिल्ली नहीं, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, बिल्ले हैं आप, किसी आने बिल्ले, हाँ आप बिल्ली हैं, चलिए चलिए, मैं बिल्ला आप बिल्ली, चलिए बोलिए। अरे अंजना जी आप तो, मैं बोल रहा हूँ बाकी सबको छोड़ दीजिए, ये हम दो भाई बहन तो हर दिन आपके डिबेट में आते हैं ना, अरे आप हमारी लास्ट 5 डिबेट निकाल दीजिए। टुच्ची, कमीना, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार के लिए किया हुआ है। क्या कर दिया हमने अपनी बहन के खिलाफ? कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। और तो और इन्होंने तो भेजा था मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान, मोदी की सरकार को गिराना होगा। अरे वो तो एंकर बेचारा वहां तड़तड़ा गया कि हम कैसे गिराएंगे मोदी की सरकार, ना ना गिराना ही होगा मोदी की सरकार को। क्या कर दिया मणिशंकर अय्यर का? कोई गिरफ्तारी कर दी मोदी जी ने मणिशंकर अय्यर का? अरे कुछ नहीं किया अंजना जी।
और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमा में पार्टी है और एक गरिमा में दो लाइन में जवाब समझी बात खत्म हो रहा है नहीं हूँ और इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं ठीक है चीन चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकिए तो करिए प्लीज। मैं आप ये चिल्लाएंगी बोलने नहीं देंगी लास्ट कहाँ दिखा पा रहे हैं सांसद की कमी है शुक्रिया दो लाइन में जवाब चीन का नाम नहीं लेते आप जोकर पंती करेंगे और अपना भाषा अनपढ़ लाइन में जवाब दीजिए आवाज नहीं सुप्रिया जी क्या है ये सुप्रिया जी का कीड़ा अरे क्यों करेंगे आप इस लिहाज से महाराष्ट्र में बीजेपी को आ जाना चाहिए था। इस लिहाज से राजस्थान में बीजेपी को कुर्सी पर काबिज हो जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी को कहीं होना ही नहीं चाहिए था। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं आप। मैं चाहती हूं कि और बंगाल में ममता बनर्जी फिर क्यों आई? फिर तो बीजेपी को ही आ जाना चाहिए था। के शर्मा जवाब दीजिए। आप लोगों ने एक तरफा कर दिया है लड़ाई को। सुप्रिया जी बस एक सेकंड जी नहीं रूबिका सुप्रिया जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। नहीं रूबिका जी कोई मतलब नहीं है डिस्कशन करने का। आप दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। आप अपना जजमेंट पास करके आगे निकल जाती है। क्या मतलब है इसमें? जजमेंट नहीं है मेरा सवाल है। इनकी बौखलाहट दिखा रही है। आपका सवाल नहीं है आपका जजमेंट है। आप तीखी टिप्पणियां करती हैं, आप बदतमीजी से बात करती हैं गेस्ट से और आपको लगता है आप अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छी बात है। यू हैव द हाईएस्ट वॉइस ऑन द शो बिकॉज़ ऑफ बैंक बोलना है बोलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके सामने फील नहीं है मैंने आपको सत्य दिखाया आईना दिखाया तो आप चिढ़ गई। आपको लग रहा है मैं बदतमीजी कर रही हूँ। मैंने तो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। रेल जियो न्यूज जे रेल जियो की कंपनीज जो है वो दिखा रही है गलत वीडियो। उस पे करा आप लोगों ने एक भी शो? कैसे फेसबुक गलत वीडियो दिखाता है? 5 लाख से ज्यादा गलत वीडियो चले पॉलिटिकल तो न्यूज डे में तो और भी वीडियोस दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी के भी वीडियोस दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के भी वीडियोस दिखा रहे हैं। सवाल पूछिए आप तक बताइए आप मुझे दूसरों की परेशान दूसरों की परेशानियों पर आप सोल्यूशन ढूंढने निकलेंगे मैडम तो कांग्रेस पार्टी फिर ऐसे तो आगे नहीं बढ़ने वाली है। मैं सच कह रही हूँ आपको। अब मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मैडम आप मेरी परेशानियां सुनिए और जो जवाब मैं दे रही हूँ आप देश की चिंता बात नहीं कीजिएगा तब कीजिएगा जब आप सरकार में आ जाए। अभी आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। देश की चिंता करना हर एक देशवासी का फर्ज है। के शर्मा करना चाहती हूँ कि देश की चिंता वो अलग बात है। के शर्मा आप अपनी वॉइस हाई करके दूसरों की लो कर यहाँ पर रोल मत बनिए। इस तरीके की भाषा मेरे साथ मत इस्तेमाल कीजिए। देश की चिंता आप यहाँ वार्डन बनने की कोशिश और मुझे तो आप भाषा बोल रही थी वो क्या था? जो भाषा का आप मेरे सामने प्रयोग कर रही थी वो क्या था? अभी तो मैं आपके लिए भाषा का मेरे सामने प्रयोग कर रही थी क्योंकि आपकी पार्टी का सवाल पूछ रही हूँ मैं और मैं इसको आप और मैं में नहीं डालना चाहती हूँ। प्लीज स्क्रीन पर के शर्मा नहीं सुप्रिया ने यू नीड टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कूल डाउन प्लीज। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। माय गॉड ये देख के तो माय गॉड ये लेडी तो भाई क्या मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है उनको बार डिस्क्राइब करने। फिर भी लोग लेके आते हैं फिर भी लेके आते हैं और वो बेचारे हर बार ही ये जो है फंस जाते हैं पात्रा जी वो कहते हैं भैया मेरी बार बार यही के साथ क्यों करते हो। पर एक पॉइंट पे ही वॉज अपसेट फिर उन्होंने जो बोला ना मैंने कहा कितना कोशिश की उन्होंने कि मैं जो है वो गुस्सा ना आए कंट्रोल रखा था पर एक पॉइंट पे वो ही ऑल्सो लॉस्ट एंड ही सेड कि भैया तुम तो सबसे इल एजुकेटेड लेडी हो इलिटरेट हो। फिर उन्होंने जो सुनाया पर देखने में जैसे वो उनके एक्सप्रेशन से उन लेडी के और जिस तरह से वो बोल रही थी दिस वॉज टोटली इनअप्रोप्रिएट। मेरे को बहुत ही गलत लग रहा था कि आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हो और बातचीत कर रहे हो गालियां वही दे रही थी। मैंने किसी और को कोई गाली देते हुए नहीं सुना। वो जिस तरह से बोल रही थी पता नहीं नाली का कीड़ा भी एक टाइम बोला और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स बोले थे। आप किसी को इस टाइप से बोल रहे हो डिबेट में और फिर बोलती है मैं तो कोई गाली नहीं देती। मैंने भी बोला कि भाई रिवर्स करके दिखाओ इनको कौन कौन सी तुम कैसे इनडिसेंट वर्ड्स यूज कर रहे हो। वो भी ये कह रहे थे कि पात्रा जी की भाई दिखाओ इन्हें जरा अभी थोड़ी देर पहले ही बोला। पर जब वो बोलते थे ना गाली वाली मैडम इतने क्यूटली बोलते थे ना इतनी हंसी आती थी। वो कहते मैंने गाली वाली मैडम के साथ नहीं करनी ये गाली देती है भैया उनको मत कराओ उनके
साथ, क्यों बेचारों को फंसाते रहते हैं सबके साथ, और ऐसे लगता है जिस भी न्यूज चैनल में हो तो उनको साथ में उन्हीं के साथ बिठा देते हैं। वो कहती है वो सोचते हैं आए मैं फिर गाली वाली मैडम के साथ फंस गया हूँ जो बोलने ही नहीं देती। नहीं देखिए मेरे को लगता नहीं है कि कोई सीरियसली ले रहे इस बात को, अगर वो ले रहे होते तो इनको बार बार नहीं बुलाते राइट ये तो उनको लग रहा है कि एंटरटेनमेंट हो रही है और इन चीजों से शायद व्यूअरशिप बढ़ रही है इसलिए। नहीं चैनल की व्यूअरशिप तो जरूर बढ़ेगी, जैसे हम देख के इतना वो हंस रहे थे कि क्या चल रहा है, लग रहा है पर इसमें बीजेपी को बहुत फायदा होगा। जब आपको दिख रहा है कांग्रेस के रिप्रेजेंट करने वाली जो लेडी है या इस टाइप के लोग कांग्रेस वाले आके बोलते हैं, कोई भी समझदार इंसान ऐसो को नहीं देगा कि यार ये क्या हमारी कंट्री को चलाएंगे। ये सही बात है कि उन्होंने बीजेपी को बहुत फायदा होगा इस टाइप के लोगों के साथ। डेफिनेटली मतलब वो भला नहीं कर रही ऐसे तरीके से, और डाउन जा रही है पार्टी, कांग्रेस को नीचे लेके जा रही है। अगर कांग्रेस देख रहा होगा तो बोलता है कि आप कैसे किस तरीके से बोल रही हैं, कैसे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, एंग्री हो जाती हैं। ऐसा कोई बंदा है तो मतलब वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी, तो मतलब कंट्री को कैसे हम तुम्हें दिखा, कंट्री तुम्हारे पास कैसे। बिल्कुल मैं तो कभी ऐसे इंसान को अपनी कंट्री नहीं दूं भैया। मगर इसमें बहुत बहुत जबरदस्त गर्मा गर्मी हो बहुत हुआ था एक पॉइंट पे तो मुझे लगा ये तो और कोई काट नहीं रहा था चैनल को, कोई कट कर देगी अब टू मच उनकी वॉल्यूम वो करे कम कर दो ही नहीं कर। वो लेडी जो है सुप्रिया जी जो भी उनका नाम है, अब याद रखना पड़ेगा सुप्रिया, वो एंकर से भी फाइट कर रही है। ओ माय गॉड, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, एंकर से फाइट कर रही, पीछे पड़ गई। अब उनको बोले कि आप मुझे एंकर बोले एक मिनट रुक जाइए, नहीं वो लड़ाई झगड़ा चालू, वो सबको गालियां वो देती है और सबको बोलती रहती तुम मुझे गाली दे रहे हो, किसी ने कुछ नहीं बोला वो तो, और वो बोल नहीं देती किसी को। वो बोल भी तो रहे थे पात्रा जी की, अब ये पांच मिनट जो भी एंड के बचे इन्होंने मुझे बोलने ही नहीं था, बोलती जाएगी। मतलब जिसने एक्चुअल कंटेंट सुनना है वो तो यहाँ नहीं आएगा, फिर एंटरटेनमेंट के लिए लोग आएंगे शायद, ये एंटरटेनमेंट के लिए ये और देखने के लिए कि कांग्रेस के जो है किस टाइप के आएंगे। एंटरटेनमेंट देखो जाओ, कोई एक्चुअल डिबेट कुछ डिबेट तो नहीं थी, सारा नॉनसेंसिकल बातें हो रही थी, बस लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो पात्रा जी कोशिश कर रहे थे कुछ लॉजिकल बात करने की, ये फिर बीच में बोलना शुरू करते, फिर उसको उस डायरेक्शन में ले जाती थी। तो वही है, फिर ऐसे ही होगा, उसे दिख ही रहा है कि कांग्रेस के बुरे हाल हो रहे हैं, उनके पास कंटेंट है नहीं, फैक्ट्स है नहीं है, तो वो डिबेट को शुरू ही नहीं होने देते। खत्म तो दूर की बात है, शुरू ही नहीं होने देते मुझे तो लगता है। तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, गाली वाली मैडम को नहीं और देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।